नबी परमेश्वर हमेशा इज़राइला वाले नबी भेजदा रहा था। नबी परमेश्वर ले संदेश सुनाए थे और फेरी ते संदेशा जो लोका जो दसाए थे। तेबे अहाव इज़राइल राज्य रा राजा था। तातेस टैम एलियाह नबी था। अहाव एक बुरा मानु था। तिने झूठे बाल देवारी आराधना करवाने रे कठे लोग मजबूर किते थे। इदी कठे एलियाए अहाबा कने बोलिया कि परमेश्वर तिना लोका जो सजा देना चाया करा। तिने तिस कने बोलिया, जेबे तक मैं दोबारा बरखा होने रे कठे नी बोलूं, तेबे तक इज़राइला रे राज्य मंज ना बरखा होनी और ना ही पाला पौना। इस गल्ला ले अहाब जो इतना गुस्सा करी दित्या कि तिने एलियाह जो मारने रा फैसला कित्या। इदी कठे परमेश्वरे एलियाह कने बोलिया कि से जंगला मंज जाई कने अहाबा ले लुकी जाए। एलियाह जंगला मंज तिस पानी रे चश्मे वाले गया जेथी जाने रे कठे परमेश्वरे तिस जो दस्या था। हर भ्यागा और हर सांजा पंछी एलियाह रे कठे रोटी और मांस लेई कने आवाए थे। इस पूरे टाइम अहाब और तीसरी सेना एलियाह जो तोपिया कराए थे पर स्योतिस जो नी तोपी सके। बरखा नी होने ले कुछ टैमा ले बाद से पानी रा चश्मा सुकी गया। इदी कठे एलियाह नेडे रही एक देशा मंज चली गया। तेस देशा मंज एक गरीब विधवा थी जैसा रा एक मठा था। इना वाले खाना लगभग मुकी चुकीरा था क्योंकि तेती कोई फसल नहीं हुई थी। पर फेरी भी तेसे जनाने एलियाहरी देखभाल की थी। इदी कठे परमेश्वरे तेसरी होर तेसरे मठेरी जरूरत पूरी की थी। इस वजह ले तेसारे आटे मंज भांडा होर तेसारे तेलारी कुपी कदी खाली नहीं हुई। तेस पूरे अकालरे बीच तिना वाले खाना था। एलियाह कुछ साला तक तेथी रहा। 3.5 साल ले बाद परमेश्वरे एलियाह कने बोलिया कि से दोबारा बरखा करना चाह। तिने एलियाह कने वापस इज़राइल रे राज्य मंज जाई कने अहाबा कने गल करने रे कठे बोलिया। इदी कठे एलियाह अहाबा वाले गया। जेबे अहाबे से देखिया ता तिने बोलिया, अच्छा तू आ परेशानी खड़ी करने वाला। एलियाह जवाब दित्या, परेशानी खड़ी करने वाला ता तू आपू आ। तै परमेश्वर यहोवा छाड़ी दित्या, सही सच्चा परमेश्वर आ, पर तू बाल देवा री आराधना करया करा। एबे तुजो इज़राइल राज्य रे सब लोका जो करमेल पहाड़ा पर लेई कने आना पौना। इदी कटे सब लोग करमेल पहाड़ा जो गए, स्यों आदमी भी आए जो बोलाए थे कि स्यों बाल देवा रे संदेश बोलाए। ये बाल देवा रे नबी थे, स्यों सब 450 थे। एलियाह लोका कने बोलिया, केबे तक तुसे अपने मन भटकाई रखने? अगर यहोवा परमेश्वर आता तेसरी आराधना करा, अगर बाल परमेश्वर आ तेसरी आराधना करा। तेबे एलियाह बाल देवा रे नबिया कने बोलिया, एक जानवरा जो बलि करी कने तेसरा मांस बलिदान होने रे कठे एक वेदी पर रखा, पर आग मत लगाना। एता ले बाद माँ भी एड़ा ही करना और एक अलग वेदी पर माँ से मांस रखना। तेबे अगर परमेश्वर वेदी पर आग बरसाए ता तुसा जानी लेना कि से सच्चा परमेश्वर आ। तेबे बाल देवर नबिये एक बलि तैयार कीती पर आग नी लगाई। तेबे बाल देवर नबिये बाल देवर ले प्रार्थना कीती, हे बाल आसारी सुन। पूरे दिहाड़े तिने प्रार्थना कीती होर चिल्लाए होर इथी तक कि आपू जो चाकुआ कने काटदे लगे, पर बाल देवे कोई जवाब नी दित्या और तिने कोई आग नी बरसाई। बाल देवर नबिये बाल देवर ले प्रार्थना करने मंज लगभग पूरा दिहाड़ा बिताई दित्या। बादा मंज तिने प्रार्थना करनी बंद करी दित्ती।
तेबे एलियाहे दूजे जानवरा रा मांस परमेश्वर री वेदी पर रख्या। तेतले बाद तिने लोका कने पानी रे बड़े भांडे जो तेसा बाली पर तेबे तक दलने रे कठे बोलिया, जेबे तक की मांस लकड़िया होर इती तक की वेदी रे नेडेरी जमीन पूरी तरह ले सगी नी गई। तेबे एलियाहे प्रार्थना कीती, हे यहोवा परमेश्वर, अब्राहम इजहाक और याकूबा रे परमेश्वर, आसा जो दस कि तुसे इजराइला रे परमेश्वर है और ये कि हाँ तुसारा दास आ, मुझो जवाब दिया ताकि ये लोग जानी जाए कि तुसे ही सच्चे परमेश्वर है। तेसी टाइम स्वर्गा ले आग पई कने तिने मांस लकड़िया चट्टाने मिट्टी होर इथी तक कि वेदी रा उरले परले पासे रा पानी भी फुकी दित्या। जेबे लोके ये देख्या ता स्यो जमीना पर पई गए होर बोले, यहोवा ही परमेश्वर आ, यहोवा ही परमेश्वर आ। तेबे एलियाहे बोलिया, बाल देवारा एक भी नबी बच्ची कने नी जाने पाए, इदी कठे लोके बाल देवारे नबी पकड़ी लए होर तिना जो एथी ले लग ले गए होर स्यो मारी दिते। तेबे एलियाहे अहाब राजे कने बोलिया, झटपट तुसे अपने घरा जो भगी जावा, क्योंकि बहुत बरखा होने वाली, एकदम ही बादल घने हुई गए, भारी बरखा शुरू हुई गई। यहोवा परमेश्वर इतने साला रा सूखापन खत्म करया करा था, इतली ये जाहिर हुआ कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर आ। जेबे एलियाहे अपना काम पूरा करी कने मुकाई दित्या ता परमेश्वरे एलिसा नावा रे एक आदमी जो नबी होने रे कठे चुनिया। परमेश्वरे एलिसा रे जरिए बहुत सारे चमत्कार किते। एक चमत्कार नामाना सौगी होया, से एक दुश्मना री सेना रा मुखिया था, पर तेस जो चमड़ी री एक बुरी बीमारी हुई गई री थी। नामाने एलिसा के बारे मंज सुनिया था, इदी कठे से एलिसा वाले आया होर तेसले तेस जो ठीक करने रे कठे अर्जी कीती। एलिसे नामाना कने बोलिया कि आई कने यर्दन नदी रे पानी मंज 7 बार डुबकी लगाई ले। नामान गुस्सा हुई गया, तिने एड़ा करने ले ना कीती, क्योंकि ये तेस जो बेवकूफी रा काम लग्या। पर बादा मंज तेस आदमी रा मन बदली गया होर तिने जाई कने यर्दन नदी रे पानी मंज 7 बार डुबकी लगाई। जेबे आखिरी बारी से पानी ले बाहर निकलया था, परमेश्वरे से ठीक करी दित्या। परमेश्वरे इजराइल रे लोका वाले दूजे बहुत सारे नबी भेजे, तिने सभीए लोका कने मूर्तिया री आराधना करना बंद करी देने रे कठे बोलिया। इता रे बजाय तिना जो एक दूजे सौगी सही न्याय करी कने व्यवहार करना चाहिए होर एक दूजे पर दया करनी चाहिए। तेबे नबीए लोके खबरदार किते कि तिना जो बुरे काम करने बंद करने पौने होर इता रे बजाय परमेश्वर री गला रा पालन करना पौना। अगर तिने लोके एड़ा नहीं कित्या ता परमेश्वर तिना जो दोषी मनी कने तिनारा न्याय करना होर तिना जो सजा देनी। ज्यादा टाइम तिने लोके परमेश्वर रे हुक्मा रा पालन नहीं कित्या, हमेशा तिने नबिया सौगी बुरा व्यवहार कित्या होर इथी तक कि कदी कदी स्यो मारी दिते। एक बार तिने यर्मिया नबी जो सुके कुएं मंज पाई दित्या होर से तेथी मरने रे कठे छाड़ी दित्या, से कुएं रे अंदर चिकड़ा मंज फसी गया। पर तेबे राज्य जो तिस पर दया आई होर तिने अपने सिपाहिया जो हुक्म दित्या कि यर्मिया रे मरने ले पहले तिस जो कुएं ले बार काढ़ी दे। नबिये परमेश्वर वखा ले बोलना जारी रख्या, भले ही लोके तिना ले नफरत कीती। तिने लोग खबरदार किते कि अगर तिने पश्चाताप नहीं कित्या ता परमेश्वर स्यो नाश करी देने। तिने लोका जो ये भी याद कराया कि
परमेश्वरे तिना कठे मसीह भेजने रा वायदा कीतिरा। पहला राजा अध्याय 16-18, दूजा राजा 5, यर्मिया अध्याय 38 ले एक बाइबलरी कहानी।